चिल्लीफिश यहाँ पे मैंने पकड़ा इसे। यहाँ के गेट से आप लोगों को एंट्री करना पड़ेगा, ये देखिए ये वाला गेट से सभी का एंट्री हो रहा है। हेलो एंड नमस्कार, दिल से फिर एक बार आपको स्वागत है आप ही का फेवरेट ये यूट्यूब चैनल द राइट वे में। हम में से ज्यादातर लोग पुरी कभी ना कभी घूमने के लिए जाते ही हैं, तो आज का हमारा ये यूट्यूब वीडियो में मैं आपको पुरी पहुंच के कहां से आप टोटो पकड़ेंगे अपना होटल जाने के लिए, पुरी में कहां कौन सा होटल में आप अच्छे से रह सकते हैं, आसपास का वहां पे खाने का दुकान क्या है, पुरी जगन्नाथ देव टेम्पल को दर्शन करने के लिए कौन सा वक्त सही रहेगा, कैसे दर्शन कर सकते हैं, पुरी का सी बीच में जो सी बाइक होते हैं वो सब आप कैसे बुक कर सकते हैं, कैसे चढ़ सकते हैं, बहुत ही डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के साथ सारा जानकारी मैं आपके लिए बताने वाला हूँ और एक कुछ बेहतरीन नज़ारा भी आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अनुरोध है हाथ जोड़ के, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में नए आए हैं या फिर हमारा इस YouTube चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करके रखे, सबसे पहले जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए, फिर पास में आए बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आप सबसे पहले आके वीडियो को चेक करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपना महत्वपूर्ण मतामत को व्यक्त कर पाए। एक बात जरूर आप हमेशा याद रखिए कि हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होते, मुझे बस आपका प्यार और आशीर्वाद का ही जरूरत है आगे बढ़ने के लिए। तो जरूर हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और हाँ, अप्रैल 15 को हम लोग बंगाली का पहला बैशाख यानी बंगाली साल का पहला दिन होता है, उम्मीद करता है वो 15 अप्रैल से पहले हम लोग 615 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो हम लोग अभी फिलहाल पूरी स्टेशन पे पहुंच के वहां से थोड़ा बाहर निकल के ज़्यादा नहीं 50 मीटर आगे आके एक टोटो बाइक को पकड़ लिया है, इसका नाम और फोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे भी लिखा बस स्टैंड पे, इनको आप बोल दीजिएगा ये आपको आपका होटल तक छोड़ देंगे। हम लोगों को होटल सपनों सागर जहाँ पे हम लोग बुक किया है वहाँ पे जा रहे हैं, तो लगभग हम लोगों का 4.8 किलोमीटर है, तो इसके लिए भैया ने 180 बोल रहे थे होटल से, बोल रहे थे 100-130 ऐसा बोल रहे थे, तो हम लोग भैया को 150 में फाइनल किए। ठीक है, तो ये भैया का नाम और फोन नंबर मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी है, अगर आप लोग पूरी पे आते हैं तो पूरी पे आके भैया को फ़ोन कीजिएगा, भैया अंदर में नहीं पहुँच पाएंगे, थोड़ा सा बाहर आके आपको पिकअप कर लेंगे। अंदर में अगर ऑटो या कुछ गाड़ी करना चाहेंगे तो आपको कुछ मन मर्जी भाड़ा बोलेंगे, जैसे इतना सा जो हमें 150 में हो रहा है वही बोल रहा था, 400-350, 380 ऐसे बोल रहा था अंदर में, तो ऐसा मत कीजिएगा, इस भैया को फ़ोन कर लीजिएगा या फिर थोड़ा बाहर में आके पता कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए होटल पे पहुँचते हैं, होटल में मिलते हैं। तो अभी हम लोग ये रेस्टोरेंट पे रात का डिनर करने के लिए आए हैं, ये लाइट हाउस के पास में ही है, होटल वगैरह बाद में आपको दिखाएंगे, अभी ट्रेन से आए हैं तो बहुत ही टायर्ड हो चुके हैं हम लोग और अभी बज रहा है रात का, ज़्यादा नहीं बस 9 बज रहा है। तो यहाँ से हम लोग अभी जो ऑर्डर किए हैं, एक प्लेन नान, 2 तंदूरी रोटी और एक वॉल्यूम का कुंदा और एक चिकन का शाप, ये ऑर्डर किए हैं। ठीक है, 6 पीस वाला बहुत शायद इसमें से कुछ लेके जाएंगे, कबाब वगैरह आ गया, 6 पीस चिकन कबाब, 6 पीस 200, 3 पीस 100 ऐसा करके है। तो ये आ गया है हम लोगों का रात का डिनर, चिकन कोसा, तंदूरी रोटी और एक नान, ये डिनर कर रहे हैं। बेटी यहाँ पे क्या बोल रही है पता नहीं, वो एक कोल्ड ड्रिंक्स का बटल पकड़ के बैठी हुई है। ठीक है, तो आज सुबह सुबह हम लोग पूरी होटल से, पूरी के जो लाइट हाउस के पास जो होटल है वो लाइट हाउस के होटल के पास से हम लोग अभी है लाइट हाउस के होटल सपनों सागर पर, और ये सपनों सागर के रूप पे आए हैं, रूप टॉप पे, और रूप टॉप से ये नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रूप टॉप से व्यू देखिए, ये पूरा व्यू ऐसा कुछ दिखता है, यहाँ से रूप टॉप का नीचे ही ये पूरा मार्केट में ही है, लाइट हाउस के बगल में ही आप बोलिएगा होटल सपनों सागर। होटल का रूम कैसा है ना है सब कुछ मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। पूरी का आज हम लोगों का हिसाब के दूसरा दिन है, लेकिन घूमने के लिए पहला दिन है, कल रात को ही आए थे, जैसे वो टोटो में आए वो सब बताया, टोटो वाले का नंबर मैंने बता दिया आपको। और ये देखिए सामने ही वो पास में ही समुंदर, ये देखिए समुंदर,
पूरा दिख रहा है, यहाँ पे ये है पूरा समुंदर, पास में ही एकदम पूरा पास में समुंदर। और ये आपका भाभी जी, मेरे बेटी, सब कुछ अभी नीचे जाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे। सामने चाय वगैरह का सब कुछ दुकान है, ठेला लगा हुआ है। ये नीचे ही देखिए एक चाय का दुकान है, बाइक्स एंड स्कूटी रेंट पे यहाँ पे मिलता है। ये नंबर आप देख रहे हैं शायद, यहाँ पे अगर आप बाइक स्कूटी रेंट पे लेना चाहते हैं। मुझे बाइक स्कूटी चलाना नहीं आता, वरना यहीं से एक स्कूटी बाइक वगैरह ले लेते। ये देखिए नीचे चाय बन रहे हैं। ये एक बड़ा सा काफ़ी होटल है, इसका रेट वगैरह क्या है पता नहीं, देखते हैं। यहाँ पे भी कई सारे होटल वगैरह है कुछ, बस इसी रास्ते का सामने ही होटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छी जगह है। ठीक है, तो चलिए नीचे चलते हैं। वहाँ पे कुछ पूरी सब्जी वगैरह कुछ लगा हुआ है वहाँ पे नीचे में, वो देखे ठेले पे वहाँ पे कुछ लगा हुआ है, देखते हैं कहाँ पे क्या मिल रहा है, दिखाएंगे आपको। वहाँ पे भी कुछ बन रहा है, वो देखिए वो कॉर्नर पे वहाँ पे कुछ बन रहा है खाने का। आसपास में कुछ बहुत सारा टिफिन वगैरह करने के लिए जगह मिल जाएगा, टूर ट्रैवल टूरिज्म का लोग मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए पहले नीचे जाते हैं, नीचे बहुत कुछ चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद बात करते हैं। आज पूरा दिन है, क्या हो सके तो टाइम मिले तो नहीं, मतलब पूछते हैं पहले कि जगन्नाथ टेम्पल कितने बजे तक खुला रहता है। तो फिर जाएंगे जगन्नाथ टेम्पल को जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। आज ही वो दर्शन कर लेंगे, पहला दिन ही अच्छा रहेगा दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं। बेटी कुछ बोलोगे, हाय कर दो बेटी से आगे। तो चलो चलिए चलते हैं, नीचे जाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। ऊपर से जो दुकान आपको दिखाया है वहीं पे ये पूरी सब्जी मिल रहा है, तो चार पूरी और ये सब्जी हम लोग दो प्लेट ले लिए है, 25 रुपये करके प्लेट के हिसाब से, 25 रुपये करके प्लेट। बेटी भी पूरी खाना शुरू कर दिया है, और चार पूरी और सब्जी 25 रुपये प्लेट। तो चलिए खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है, पूरी सब्जी आप यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा रास्ते के बगल में ही। क्या देखिए रास्ते के बगल में ही दुकान है, हम लोग थोड़ा अंदर आके बैठी को लेके बैठे हैं। ठीक है, रास्ते के बगल में ही ये वाला दुकान है। तो ये देखिए इधर पे है हम लोगों का सी बीच समुंदर। ठीक है, वहाँ पे ये गाड़ी वगैरह ये सब के पीछे में, और ये रास्ते से यहाँ से आते हुए यहाँ पे है हम लोगों का होटल स्वप्नो सागर। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा और भी होटल है, रेट वगैरह काफ़ी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही हाई है कुछ। ये होटल का जैसे अभी चल रहा है 4000 रुपये नॉन एसी, जीप होगा होटल का, अभी मैंने कुछ देर पहले पूछताछ की, तो आप अपने बजट के हिसाब से ले लीजिएगा। ठीक है, और ये सपना सागर के पास में ही चाय का दुकान है, अभी यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे। और यहाँ पे जो वहाँ से पूरी सब्जी खाना खा के आए हैं वहाँ पे, ये ऑटो के पीछे बगल में ही पीछे में ही। तो चलिए चाय पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो सी बीच पे आए हैं उसी रास्ते से सी बीच पे आए हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से चल के आए हैं, और एकदम वो हम लोगों का होटल दिख रहा है। ठीक है, वो वाला ये उंगली का सीधा पॉइंट पे मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ, ये है हम लोगों का होटल स्वप्नो सागर, ये वाला। ठीक है, ये स्वप्नो सागर होटल है, और यहाँ से चल के हम लोग आए। तो यहाँ से आके और ये रहा समुंदर, और मैं ये लाइट हाउस की तरफ आने का और एक रीज़न है, सरगोद्वार या पुराना ओल्ड सी पुरी की तरफ अगर आप रहेंगे तो इतना वहाँ पे क्राउडेड है कि आपको दिमाग ख़राब हो जाएगा। मुझे ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं है, तो थोड़ा मतलब नॉर्मली जो होते हैं आपका वो एरिया वहाँ पे आए हैं, मतलब लेस क्राउडी एरिया, कम भीड़ कम लोग। ठीक है, वहाँ पे आए हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग घूमने के लिए आए, मतलब सी बीच पे इसी के सामने आए हैं। और वहाँ पे आपका भाभी जी बच्चे को लेकर वो कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बच्ची समुंदर में पहली बार आए पूरा, उसका मेरे क्या कहूँ मेरे एड़ियों के तरफ पानी आया, और उसका बेचारी का पूरा घुटने तक पानी आ गया, उसका जो
छोटा सा ड्रेस टॉप पहनी हुई है वो थोड़ा नीचे का हिस्से में भीग गया, टाई पर भी थोड़ा सा भीग गया, होता है ऐसे क्या करें। तो बस यहीं पे आए हैं अभी सी बीच पे, तो थोड़ा मजा लेते हैं और फिर वापस जाएंगे। अभी बज रहा है, अभी नहाएंगे नहीं, अभी बज रहा है सुबह का 9:30। तो मंदिर वगैरह दर्शन करेंगे पहले नहा धा के, या फिर क्या करेंगे देखते हैं, तो उसके बाद जाएंगे वहाँ पे। हम लोग जो होटल पे अभी रह रहे हैं वो रूम नंबर 305 है, वहाँ से उतर के ये हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं सी बीच पे नहाने के लिए। तो थोड़ा सा नज़र आपको दिखाते हुए जा रहे हैं, कब क्या आपको मिले ना मिले, अभी तो जा रहे हैं तो इसलिए रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये है हम लोगों का सेकंड फ्लोर पे है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ऐसे ही सेकंड फ्लोर का नज़र आए, ये फर्स्ट फ्लोर ये वाला सब रूम है यहाँ पर। तो होटल पुराना है लेकिन रीमॉडिफाइड किया जा रहा है, अच्छा है बहुत काफ़ी। अभी तक दोस्त फिलहाल में कुछ ठीक ही लगा। ज्यादातर लोग बाहर घूमने जाने पर अपने साथ पर एक ताला अलग से ला जाते हैं, जो घर से निकलते हुए अपने गेट पर लगाकर बाहर निकलते हैं। लेकिन ये गलती आप कभी ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि ये ताला के चाबी अगर बाहर आप खो देते हैं तब ये ताला तोड़ने के लिए होटल वाले आपको भारी अंक का जुर्माना कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है, अगर आप होटल का कीज ही यूज करते हैं तो उसे हमेशा रिसेप्शन पर ही छोड़ के जाए, क्योंकि ये होटल वालों के पास हमेशा एक हर एक घर का डुप्लीकेट चाबी रहते हैं, चाहे तो वो कभी भी आपका घर खोल सकते हैं अगर कोई ऐसा परिस्थिति हो जाए तो। तो इसलिए आपका घर का चाबी आप होटल के रिसेप्शन में रख के जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि वो लोग वैसे नेचुरली चाबी को ओपन नहीं करते हैं। वहाँ पे आपका खाना बैठी हुई है। पूरी के सी बीच में फिलहाल अभी 25 से 30 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से चेयर किराए पे मिल जाते हैं। ये चेयर लेने का फायदा यही होता है कि आप वहाँ पे रिलैक्स करके बैठ सकते हैं और अपना मोबाइल, कीमती सामान, पार्ट्स वगैरह सब वहाँ पे ही छोड़ के आराम से बेफिक्र होकर नहाने के लिए जा सकते हैं। उनके लोग आपका पूरे सामान का ध्यान रखेंगे। तो हम लोग ऐसे 3 चेयर 1 घंटे या 2 घंटे के लिए ले लिए। जेली के समुद्र में जेली के चला और मैंने हाथ लगा दिया तो हाथ पे अभी थोड़ा खुजली सा हो रहा है। जेली की तरह देखे तो उसका स्टीम जो होता है मेरे हाथ के अंदर यहाँ पे लग गया, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे थोड़ा सा खुजली सा हो रहा है। मैंने ये वाइप्स मेरे बच्चे का जो वाइप्स है बेबी वाइप्स उसी से क्लीन कर रहा हूँ, वहाँ हल्का सा खुजली हो रहा है, जलन हो रहा है और कुछ नहीं। ये कितना बड़ा सा मिला मुझे। पूरी के समुद्र के पानी में जो जेलीफिश मुझे मिला था वो मुझे पहली बार ऐसा दिखा के पूरी के समुद्र में, पता नहीं कहाँ से आ गया था। वैसे भी पानी में जो लाल केकड़े होते हैं, प्रॉन होते हैं, ये सब अक्सर दिखा जाता है, तो ये सब से आप अपना दूरी बरकरार रखें। मैं बस अपने ख्याल के हिसाब से वो जेलीफिश को पकड़ लिया था जिससे मुझे हाथ पे बहुत खुजली हो रहा था। और हाँ, एक बात और कि यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ करने से पहले, या कोई घोड़े पे चढ़ना, ऊँट पे चढ़ना, ये सब करने से पहले या कुछ खरीदारी करने से पहले हमेशा रेट को अच्छे से पता करके कीजिए, क्योंकि बाद में ये लोग आपको दूसरा रेट बताकर लूट सकते हैं। जेट्सकी का एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं पूरी में। अभी फिलहाल कभी जेट्सकी का एक्सपीरियंस नहीं किया है तो देखते हैं जेट्सकी यहाँ पे बोले कि 5-10 मिनट घुमाएंगे अंदर में। अभी एक जेट्सकी जा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो देखिए दूर में जा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 600 रुपये बोल रहे हैं पर पर्सन के हिसाब से। चलिए जेट्सकी करते हैं, देखते हैं, मजा लेते हैं, वीडियो को आपको भी दिखाएंगे। बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से शौक था कि जेट्सकी करेंगे, तो जेट्सकी में जेट्सकी करके आपको दिखाते हैं क्या बोलते हैं, क्या नहीं, कितना क्या होते हैं, ठीक है। चले, ये वाला भाई के साथ हम अभी जा रहे हैं जेट स्की में। ये भैया के साथ आप अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो ये भैया आपको जेट स्की की तरफ लेके चला जाएगा, ठीक है। ये लाइट हाउस में थोड़ा उधर में जाना पड़ेगा, मेरा जेट स्की भी नहीं हुआ है, थोड़ा लाइन पर लगा हुआ है। ये देखिए बीच बाइक भी चल रहा है, बीच बाइक भी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो बीच बाइक, जेट स्की, ये सब अगर आप करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से।
ये देखिए जेट्स की करते हैं हम लोग यहाँ पे आके पहुंचे और भैया को ए थोड़ा सा रुकने के लिए कहा है, ये भैया के साथ आए हैं और यहाँ इतना दूर तक घुमाएंगे, अच्छे से घुमाएंगे, जरूर कीजिएगा इन लोगों के साथ, ठीक है। तो आप लोगों को भी काफी मजा आएगा। भैया का कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यूट्यूब में, तो देखिएगा, ठीक है। चलो फिर से पकड़ लेते हैं, चलो पूरी में ये सी बाइक या फिर जेट्सकी के साथ ये जो वीडियो मैंने बनाए पूरा अपने रिक्स के ऊपर ही बनाए थे, क्योंकि ये लोग पहले ही मुझे कह दिए थे कि मेरा मोबाइल अगर पानी में समुद्र में गिर जाता है या फिर समुद्र का पानी लग के मोबाइल खराब हो जाते हैं तो ये लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। मैंने फिर भी कहा कि हाँ ये पूरा मेरा जिम्मेदारी है, तो ये लोग तब अलाउ किए। और हाँ, ये जो लाइफ जैकेट ये लोग पहनाते हैं इसे आप सही से पहन के तभी ये सब एक्टिविटी कीजिएगा। तो यही पास में वहाँ पे ये वाला है हमारा होटल सपना सागर, ठीक है, वो सपना सागर होटल है और यहाँ से आके ये वाला होटल है टेस्टी कॉर्नर, ठीक है। टेस्टी कॉर्नर कल रात को डिनर यहीं पे किए थे तो आज यहाँ पे अभी लंच करने के लिए चले गए हैं। लंच करेंगे कल रात को जहाँ पे डिनर किए थे वहीं पे आ जाए हैं। तो अभी ऑर्डर किया है ये पापड़ा थाली, ठीक है, पापड़ा थाली एक और यहाँ पे पॉम्फ्रेट थाली एक, ये ऑर्डर किया है, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया है पॉम्फ्रेट थाली एक, पापड़ा थाली एक। चलो ये खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। और ये रेस्टोरेंट का नंबर मैंने कल भी वीडियो में बताते हैं, आज भी बता देते हैं, यहाँ पे दिखा भी देते हैं, मेनू वगैरह यहाँ पे है। काफ़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी का अच्छा फूड है, तो आ सकते हैं यहाँ पे। कल रात का एक्सपीरियंस हम लोगों का बहुत ही सजा है, बहुत ही अच्छा था कल रात का एक्सपीरियंस, तो इसलिए ये देखिए नंबर वगैरह यहाँ पे है। ये यहाँ पे हम लोगों का थाली आ गया है, दाल बेटा पॉम्फ्रेट, ये पॉम्फ्रेट है, काफ़ी बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, मीडियम स्टैंडर्ड साइज है, इतना सा साइज है। 220 प्राइस है। दाल चावल बैंगन भाजी एक नॉर्मल भाजी एक सब्जी चटनी, और यहाँ पे भी सेम है। और ये आपका भाभी जी लिया है पॉम्फ्रेट और मैंने लिया है पापड़ा, ये फिश लिया है। तो देखिए यहाँ पे सोई हुई है, यहाँ पे बेटी को सोई है, सुला दिया है चार तक। अगर आप जगन्नाथ देव जी के टेंपल में सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं तब आप कुछ भी खाना खा के जा सकते हैं, किसी भी टाइम पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जगन्नाथ जी के टेंपल में पूजा देना चाहते हैं तो आपको वो पूजा देने तक बिना कोई चावल वगैरह खाए, बिना कोई नॉनवेज वगैरह खाए रहना पड़ेगा, और हो सके तो वो दिन पूरा ही आपको बिना चावल के बिना नॉनवेज के रहना पड़ेगा। ऑटो या कुछ आके यहाँ पे आकर आपको छोड़ देगा 150 मीटर बोले, और यहाँ से सीधा आपका उधर में जाना पड़ेगा पैदल में या फिर रिक्शा में, पैदल रिक्शा में, तो आपको वो आपको वहाँ पे पहुँचाया जाएगा पैदल रिक्शा में। गाड़ी टोटो या ऑटो यहाँ से आगे नहीं जाएगा, ये बता ही देते हैं चढ़ने के टाइम कि इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है, इससे आगे यहाँ पे नहीं जाता है, तो बस यहाँ पे ही आए। और फिर आपको अभी हम जा रहे हैं जगन्नाथ जी का जो मेन टेम्पल है पूरी जगन्नाथ जी का दर्शन, वही का दर्शन करने जा रहे हैं, देखेंगे वहाँ पे जाएंगे। चलिए पहुँचते हैं, जाते हैं। ड्रेस कोड खास मुझे उतना पता नहीं, फिर भी आप लोग भाभी जी को मैंने बता दिया कि नॉर्मल ऐसे जैसे आपके भाभी जी ने कुर्ती वगैरह पहने हैं और दोपट्टे के साथ, वैसे ही दोपट्टे के साथ आप पहनेंगे तो ही ठीक रहेगा, कोई वेस्टर्न ड्रेस छोटा ड्रेस ऐसा ना पहने, क्योंकि तब आपको वहाँ पे रोक भी सकते हैं, ऐसा मुझे एकदम
क्या कहूँ, एकदम कन्फर्म जानकारी तो नहीं है लेकिन जितना नॉलेज है वो बता दिया मैंने। यहाँ के गेट से आप लोगों को एंट्री करना पड़ेगा, ये देखिए ये वाला गेट से सभी का एंट्री हो रहा है और एग्जिट जो है वो दूसरे वाला साइड से होता है। ये वाला गेट से सभी को एंट्री करना पड़ेगा। अंदर में मोबाइल कैमरा वगैरह अलाउड है कि नहीं है, क्या सीनारी है, क्या सीन है, सभी बाद में बताएंगे। ये वाला गेट से एंट्री हो रहा है या आगे चल के हो रहा है वो हम दिखाते हैं अभी। सर नहीं, ये वाला गेट से अभी कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे अभी लॉक है दिखा रहा है, सब कुछ नॉर्मल पब्लिक को एंट्री नहीं हो रहा है, आगे चल के हो रहा है, आगे दिखा रहा है। और यहाँ पे सिक्योरिटी को पूछ भी लेते हैं कि कैमरा वगैरह मंदिर के अंदर अलाउ है कि नहीं, ठीक है, कैमरा अलाउ है कि नहीं पूछ लेते हैं। ये कैमरा वगैरह कुछ रखने के लिए अलग से कुछ है सामने। तो ये है साउथ गेट, शायद ऐसे कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ रखना पड़ेगा। दर्शन कीजिए आप लोग सभी, देखिए पूरी जगन्नाथ टेम्पल, यहाँ पे हनुमान जी का एक मूर्ति है अंदर में, चलिए एक बात आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे इतना सारा भीड़, ये जो पूरा एरिया है ये लोग जगह का जो यहाँ पे पूरा लाइन लगा हुआ है, लंबा लाइन है, काफ़ी सारा लोग है यहाँ पे, ठीक है, पूरा भीड़ है। और यहाँ पे आके आप छोटा रख सकते हैं, छोटा स्टैंड वगैरह है, ये देखो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन भी आपको रख के जाना पड़ेगा, मोबाइल आपका 20 रुपया करके, जूता 5 रुपया करके, ठीक है, हर मोबाइल 20 रुपीज़ पर टू पर पर्सन टू 5 रुपीज़, ठीक है, फूल यहाँ पे आके आपको रख के जाना पड़ेगा, पूरा फ्री हुआ है, ठीक है, और काफ़ी सारा स्टैंड पॉइंट भी है यहाँ पर। पूरी जगन्नाथ जी का टेंपल दोपहर के 12 बजे से 2:30 बजे तक लगभग बंद रहता है। ये जो टाइमिंग है ये कुछ कुछ दिन के हिसाब से चेंज भी होते रहते हैं, तो जिस दिन आप दर्शन के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं तो उस दिन अपने लोकल से पता कर लीजिएगा। जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए अलग से कोई VIP लाइन नहीं है, कुछ लोग वहाँ पे आपको कहेंगे कि अलग से अंदर से दिखा देंगे, मंदिर तक पहुँचा देंगे, ऐसे करके आपको 200-400 रुपए पर हेड हिसाब से मांग सकते हैं, लेकिन वो आप उनके साथ जाएंगे या न जाएंगे वो आपके मर्जी के ऊपर है। वो लोग कितने दूर तक अंदर में आपको ले जाएगा, कुछ लोगों को मैंने लेके जाते हुए तो देखा लेकिन कहाँ तक लेके जा रहा है, कितना दर्शन करा रहा है वो मुझे पता नहीं चला। फिर भी हम लोग जो नॉर्मल लाइन में लगे के जगन्नाथ जी का दर्शन किए तो हम लोगों को लगभग 3.5 से 4 घंटा टोटल दर्शन करने में लग गए, और लाइन में काफ़ी भीड़ रहता है। अपने बच्चे को साथ में लेकर अगर जाते हैं तो खासकर बच्चे को, और अगर बुजुर्ग रहते हैं तो उनके तरफ ध्यान रखिएगा। वो दिन मोबाइल फ़ोन को ये लॉकर रूम पे रख के हम लोग 3.5 से 4 घंटे लाइन पे लग के काफ़ी मेहनत करके जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिए थे। जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेने के बाद हम अगले दिन जो चिल्का दर्शन के लिए जाने वाले थे उसके बस बुकिंग के लिए हम चले गए, और वो बस बुकिंग करके हम लोगों का चिल्का दर्शन कैसा रहा वो आप इस वीडियो पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आपको ढेर सारा प्यार यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, मैं हमेशा आपके साथ में हूँ, आपके पास में हूँ, और हमेशा की तरह हमारे इस YouTube वीडियो को लाइक करने के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करने के लिए, वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करने के लिए, Facebook पेज को फॉलो करने के लिए, और हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल बटन को दबाकर हमारे पास में रहने के लिए, हमारे साथ में रहने के लिए आपको दिल की गहराई से फिर एक बार ढेर सारा प्यार।